हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगी सर जी के जीएस में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो जीके क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो जीके के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से, इस टॉपिक से आएंगे। फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उस एग्जाम के अंदर, उस पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं। तो इस टॉपिक पर हमने ये पहला वीडियो बनाया है। इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा। जैसे कि आप लोग इस वीडियो को देख लें, तुरंत इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है। कि आप पहला और दूसरा भाग जब देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका इतना मजबूत हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा। यदि री एग्जाम में, उत्तर प्रदेश री एग्जाम में, पुलिस री एग्जाम में अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन लाता है साथियों, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना और छोड़कर नहीं जाना, समझे? लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। तो साथियों, इस टॉपिक की शुरुआत जो होती है, यहां से ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है। याद रखिएगा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब देंगे बच्चा लोग लखनऊ है। याद रखिएगा, इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, इसकी बिल्कुल नहीं करना, छोड़कर नहीं जाना। यदि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम है तो मेरा वादा है आपसे कि उसके अंदर यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। वीडियो को पूरा देखना, बस हमको डर ये रहता है कहीं आप स्किप करके ना चले जाएं, समझे? ये हमको डर रहता है। चलिए, अगला पॉइंट है बच्चा, राज्य में पुलिस का मुखिया कौन होता है। तो राज्य में पुलिस का मुखिया होता है डीजीपी। याद रखिएगा, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जितना भी पुलिस है उस पुलिस का एक मुखिया होगा और उसको डीजीपी के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए बच्चे लोग, इधर जो हमने कुछ बताया है, इधर पुलिस ऑफिसर की कुछ रैंकिंग बताई है, जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनकी रैंक क्या है, मतलब सबसे बड़ी रैंक कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटा कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो ध्यान दें, पहले नंबर पे पुलिस रैंक में यदि हम बात करते हैं, पहले डीजीपी होता है, सबसे बड़ा डीजीपी, डीजीपी से छोटा कौन होता है, याद रखिएगा, एडीजी होता है, एडीजी से छोटा बच्चा आईजी होता है, आईजी जैसे कि आप जानते हैं इंस्पेक्टर ऑफ जनरल के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखिए, आईजी से छोटा डीआईजी होता है, और डीआईजी से छोटा एसएसपी होता है, और एसएसपी से छोटा एसपी होता है, याद रखिए, एसपी से छोटा एएसपी होता है, और एएसपी से छोटा सीओ सर्किल ऑफिसर होता है, और सीओ से छोटा एफएचओ होता है। एफएचओ का मतलब है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको एफएचओ के नाम से जाना जाता है। एफएचओ से छोटा एफआई होता है, जैसे कि आप जानते हैं इसको सब इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है। इस पर वीडियो लाएंगे, बाद में लाएंगे, फिलहाल अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। तो एफआई से छोटा हेड कांस्टेबल होता है, और हेड कांस्टेबल से छोटा कांस्टेबल होता है जिसकी आप तैयारी में हैं, समझे नहीं? तो आपका जो मेन टारगेट है वो है कांस्टेबल। तो याद रखिए, आपका जो रैंक आता है वो पुलिस ऑफिसर में निम्न स्तर का रैंक है, सबसे डाउन में आपका रैंक है। कोई बात नहीं, 0 से शिखर तक जाना है। अपने मन में एक चीज धारणा फिट कर लो कि हमको कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक बनना है। याद रखिएगा, कांस्टेबल पहले कांस्टेबल बनिए, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एसआई, एसएचओ, सीओ, एएसपी, एएसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी और एडीजी, डीजीपी। समझ भाई बात नहीं? तो याद रखिएगा, तो ये पुलिस ऑफिसर की कुछ रैंकिंग थी, इसको याद रखिए, है ना? जैसे कि तो सबसे निम्न स्तर पे होता है पुलिस ऑफिसर में, जो सबसे छोटी रैंक होती है वो कांस्टेबल होती है, और कांस्टेबल को वीट सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पहली बार आपको मालूम हुआ होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस, छोड़िए पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस के अंदर कांस्टेबल को वीट सिपाही के नाम से जाना जाता है। बच्चा लोग जैसे कि आगे पॉइंट पे ध्यान दें, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य बताइए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस
पुलिस का आदर्श वाक्य है, याद रखिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। वीडियो अगर अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कीजिए, याद रखिए। अगला पॉइंट है बच्चा, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्थापना हुई वो 1863 में हुई, याद रखिए, नोट डाउन करते चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863। अगला क्वेश्चन, पुलिस एक्ट जो लागू है उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कौन सा पुलिस एक्ट लागू है, तो आपको कहना है सर पुलिस एक्ट 1861 लागू है। उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिनियम कौन सा लागू है, तो 1861 लागू है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, उत्तर प्रदेश में पुलिस जोन की संख्या कितनी है? याद रखिए, पुलिस जोन की संख्या पूछी गई है, यहाँ रेलवे जोन की संख्या नहीं पूछ रहा है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस जोन की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 8 बताएंगे। और एक बात और याद रखिए, ये जो पुलिस जोन है, ये पुलिस जोन, इस पुलिस जोन का जो मेन ऑफिसर होता है उसको आईजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं। आईजी का मतलब है इंस्पेक्टर ऑफ जनरल, याद रखिएगा, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल। ये डीजीपी से नीचे होता है बच्चा, देखिए, सॉरी, डीजीपी से नीचे एडीजी होता है और एडीजी से नीचे आईजी होता है। तो तीसरे नंबर पे होता है वरीयता सूची में, ऑफिसर रैंक में ये तीसरे नंबर पे होता है। तो याद रखिए, पुलिस जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में? पुलिस जोन है 8, याद रखिए। अगला पॉइंट है बच्चा, पुलिस रेंज। तो यूपी में पुलिस रेंज कितनी बनाई गई है? 18 है, याद रखिए, यूपी में पुलिस रेंज की संख्या 18 है, याद रखिए, 18 है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या भी कितनी है? 18। तो ये मंडल स्तर पर ही तो रेंज बनाई गई है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य के अंदर मंडल स्तर पे पुलिस रेंज बनाया जाता है, और उस पुलिस रेंज का एक एक को मेन व्यक्ति, मेन ऑफिसर बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीआईजी। क्या बोलते हैं? डीआईजी बोलते हैं। तो याद रखिए, आईजी से छोटा डीआईजी होता है, जैसे कि हमने इधर अभी आपको बताया था। अब अगला पॉइंट है बच्चा, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर एक कितने हैं? तो याद रखिए, इन ये 7 जिले हैं, 7 जिलों के अंदर पुलिस पॉलिसी कुछ अलग है, तो वो पॉलिसी है कमिश्नर एक पॉलिसी लागू कर रखी है, याद रखिए। तो पुलिस कमिश्नर रेट वाले जिले कितने हैं? 7 जिले हैं, याद रखिए। 2020 तक ये लखनऊ और नोएडा में ही ये कानून लागू था, ये नियम जो था लखनऊ और नोएडा दोनों जिलों में लागू था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सीएम आ गए योगी आदित्यनाथ जी, तो आदित्यनाथ जी ने दो स्टेप में गाजियाबाद, आगरा, कानपुर को लिया, फिर बाद में उन्होंने प्रयागराज, वाराणसी में भी ये कमिश्नर एट पॉलिसी लागू कर दी गई है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर एट वाले जिले बताइए, आप कहेंगे सर जी 7 हैं, याद रखिए, पुलिस जोन बताइए 8 हैं, पुलिस रेंज बताइए 18 हैं, याद रखिएगा। पुलिस का हेडक्वार्टर कहां है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 में हुई है। पुलिस एक्ट कौन सा लागू है? 1861 लागू है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। याद रखिएगा, बाल कारागार कहां पर स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, बाल कारागार कहां पर स्थित है, तो आप जवाब देंगे सर लखनऊ में स्थित है, बाल कारागार लखनऊ हुआ। अगला क्वेश्चन, महिला कारागार, नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा महिला कारागार, तो भी आप आंसर क्या देंगे? लखनऊ देंगे, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय महिला कारागार बताइए, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय महिला कारागार कहां पर है, तो आप कहेंगे सर बरेली में है, याद रखिए, वही बरेली जहां झुमका गिरा था, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, याद रखिएगा, वही बरेली है। राय बरेली अलग है, बरेली अलग है, आपको पता है, समझेगा। तो केंद्रीय महिला कारागार बरेली है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, केंद्रीय पुलिस अकादमी, याद रखिएगा, केंद्रीय पुलिस अकादमी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश री एग्जाम वालों कि केंद्रीय पुलिस अकादमी कहां पर है, तो आप क्या जवाब देंगे? सर हैदराबाद में है, याद रखिएगा। और आप जानते हैं हैदराबाद कौन से राज्य की राजधानी है? बताइए हमको, हैदराबाद कौन से राज्य की राजधानी है? तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के छोर पर स्थित है, याद रखिएगा। अगर रिवर क्वेश्चन पूछा जाता है हैदराबाद कौन सी रिवर के छोर पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर मूसी रिवर के किनारे। कौन सी रिवर के किनारे है? याद रखिएगा, मूसी रिवर के छोर पर स्थित है, मूसी रिवर के छोर पर स्थित है हैदराबाद, याद रखिएगा।
का तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां पर है, एमबीडी में है, याद रखिएगा, याद रखिएगा एमबीडी में डॉक्टर भीमराव पुलिस अकादमी है। अगला क्वेश्चन है बच्चा कुछ चीजें नोट में लिखी है, याद रखिएगा नोट वाले बिंदुओं को खास तौर से अपने नोटबुक के अंदर, अपने चौपड़ा के अंदर उनको थोड़ा सा विस्तार अच्छे से लिया करो, थोड़ा गहराई से लिया करो उन वाले बिंदुओं को, जिन बिंदुओं को हम नोट से पढ़ाए ना वो समझ लेना पेपर में आने वाले हैं, बिल्कुल अच्छा वाला असला है, ओरिजिनल असला वही है, याद रखिए एग्जाम में आने वाला। अगला पॉइंट है वीट सिपाही कहा जाता है, आपका आंसर तो आ गया होगा आपके माइंड में, वीट सिपाही अभी पीछे बताया था कॉन्स्टेबल को ही वीट सिपाही कहा जाता है, जिसकी आप तैयारी में है, याद रखिए तो आप आने वाले वीट सिपाही हैं, आप उत्तर प्रदेश के भावी वीट सिपाही हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है थाना कार्यालय लिपिक रिकॉर्ड, थाना के अंदर जो कार्यालय होता है उसके अंदर जो लिपिक रिकॉर्ड जो रखता है वो कौन रखता है, तो लिपिक रिकॉर्ड रखता है हेड कांस्टेबल, याद रखिएगा थाने में कार्यालय, थाने के कार्यालय में लिपिक रिकॉर्ड कौन रखता है, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, थाना के कार्यालय में लिपिक रिकॉर्ड कौन रखता है, आप जवाब देंगे सर हेड कांस्टेबल रखता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिए आप जानते हैं प्रत्येक थाने के अंदर चौकीदार होता है, हर गांव से एक एक चौकीदार होता है, तो इसी प्रकार से चौकीदार की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिए पुलिस स्टेशन में चौकीदार की नियुक्ति पुलिस अधीक्षक करते हैं और पुलिस अधीक्षक को एसपी कहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे लेना चाहते हैं, बहरहाल सपोर्ट कीजिए भाई, फॉलो कीजिए यूट्यूब योगी सर जी के चैनल, योगी सर जी के जीएस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसको फॉलो कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि ये कमेंट ही आपकी कमेंट ही हमारी ऊर्जा है, आप कमेंट करेंगे तब हमको पता चलेगा कब हम तो हमको ऊर्जा मिलती है आपके कमेंट से, तो बाबू कमेंट जरूर करें, टॉपिक अच्छा लग रहा है और आपका री एग्जाम है, पुलिस री एग्जाम की तैयारी में है, तो आप जुड़िए योगी सर जी के जीएस से, समझे, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी आने वाले टाइम में कि वो आपको आज तक कहीं नहीं मिली, याद रखिए वो इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी, छोटा तो है लेकिन वजूद बहुत रखता है। चलिए यानी कुछ चीजें इसमें और रही हैं उनको और आगे देख ले, अगले स्टेप पे ध्यान देंगे, अगले स्टेप पे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है, याद रखिए बच्चा उत्तर प्रदेश में सेंट्रल जेल पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल जेल की संख्या है 6, याद रखिएगा सेंट्रल जेल उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पर है इस बात पे ध्यान दें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के टाइम पीरियड में सेंट्रल जेल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा सेंट्रल जेल फतेहगढ़ नैनी झांसी वाराणसी बरेली आगरा, याद रखिएगा फतेहगढ़ नैनी झांसी वाराणसी बरेली आगरा, तो तीन तीन में याद कीजिए, मतलब इसको तीन तीन इंस्टॉलमेंट में याद कीजिए, फतेहगढ़ नैनी झांसी वाराणसी बरेली आगरा, तो याद रखिएगा फतेहगढ़ नैनी झांसी वाराणसी बरेली आगरा, तो इन 6 शहरों में सेंट्रल जेल है, याद रखिएगा जिसको कहते हैं हिंदी में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या 6 है, अगर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आंसर देना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन है बच्चा ये जो क्वेश्चन रखा है हमने हालांकि पुलिस से ही संबंधित है लेकिन ये आउट ऑफ यूपी है, तो इसमें क्या दिया है, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जो है उत्तर प्रदेश से आउट ऑफ यूपी की बात है, तो भारत में 5 हैं, कहाँ, कोलकाता है, हैदराबाद है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, गाजियाबाद है, याद रखिए एक बार और ध्यान दें, कौन सा नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 हैदराबाद है, नंबर 3 चंडीगढ़ है, नंबर 4 पर जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है, गाजियाबाद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चंडीगढ़ आप जानते हैं पंजाब हरियाणा की राजधानी है, हैदराबाद जैसे कि अभी हमने बताया पीछे कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, मोसी रिवर के पर स्थित है, याद रखिएगा इस बात को, समझे, नंबर 1 पर कोलकाता लिखा हुआ, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, हुगली रिवर के छोर पर स्थित है, यह शहर हुगली रिवर के छोर पर स्थित है, और ध्यान दे बच्चा एक लास्ट में लिखा हुआ है ध्यान रहे, तो ध्यान रहे में लिखा हमने पुलिस जो है ना, पुलिस याद रखिए पुलिस जो है ये पुलिस सब्जेक्ट जो है ये राज्य सूची में रखा गया है ना, राज्य सूची के अंदर पुलिस को रखा गया है, हमने आपको पहले भी बताया होगा कभी संविधान
संविधान की कोई सी वीडियो में कि सूची होती है, अनुसूची सात है और फिर 12 अनुसूची है, 12 अनुसूचियों में एक सातवें नंबर की अनुसूची है, सातवें अनुसूची में तीन सूचियों का वर्णन हो रखा है और तीन सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पर अधिकार केवल राज्य का ही होता है, राज्य सरकार का ही होता है, उन सब्जेक्टों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, याद रखिएगा। तो भाग वन में, पार्ट वन में जितना हमने अब तक पढ़ा इतना ही, और इससे आगे की चीज जो हम पढ़ेंगे वो भाग दो में पढ़ेंगे। यदि आप चाहते हैं इस टॉपिक से संबंधित और अधिक ज्ञान लेना और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करना तो हमारे ही योगी फर्जी के जीएस चैनल को, इसके सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें। दूसरे पार्ट में बहुत कुछ मिलेगा, उसके अंदर हेल्पलाइन नंबर है, CIP यानी IPC के कुछ सेक्शन है और कुछ एक्ट है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम अब पार्ट टू में बात करने वाले हैं, ध्यान दें। तो याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ फर्जी टॉपिक कैसा लगा, वीडियो में मजा आया नहीं आया, समझे। अगर वीडियो में मजा आया, कंटेंट में मजा आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब भी मैं आपसे कमेंट के लिए कहता हूँ, मिलते हैं भाग दो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।